सलाम कैसी है आप? मैं मैं भी का बिल्कुल yes. क्या नाम है आपका शिफा शिफा क्या करती हैं आप स्टडी क्या पढ़ी सेकंड ईयर में आई सी एस कर आगे क्या करना चाह रही हैं लाइफ में सर बड़ा कुछ करना है जैसे की <laughs> मुझे पुलिस की फीड में जाने का बहुत शौक है। <laughs> मैं <laughs> no, <laughs> okay, मैम आप पाकिस्तान की एक सुपर मॉडल हैं जी तो मैं चाहती हूं कि आप ऑडियंस को आज आप अपने कोई फाइव फेवरेट पोज सिखा के जाएं देखो एक तो यही पोज हो गया अच्छा पुलिस में मॉडलिंग भी करेंगी जाके मॉडलिंग करते अदालत में खोली <laughs> है, साहब <laughs> <laughs> आप, आप अच्छा कि बड़े बेसिक और सिंपल हैं यूजुअली हम लोग मॉडलिंग करते हैं सलवारों कमीजों की ही और ईस्टर्न वेयर ज्यादा होता है तो अच्छी बात है की आज मैं भी ईस्टर्न वेयर पहन आई बिल्कुल तो सबसे पहला पोस्ट तो दोनों हाथ रखने हैं आपने अपनी वेस्ट पे और खड़े हो जाना है ऐसे टांग निकाल के ठीक है जी एक तो ये हो गया सिंपल वाह सो फन ये एक हो गया आ, दूसरा आपने एक हाथ नीचे कर देना है और एक टांग को अंदर कर लेना है घुटने को बैंड और ऐसे करके ये प्रोफाइल दे देनी ठीक है दिख रहा है सबको दिख रहा है ठीक है ये तो आसान ही लग रहा है हमें बड़ा मुश्किल लगता था तीसरे में आप बैठ जाए जो जगह मिले कोई एक टांग <laughs> <laughs> बाहर निकाल लें एक बैंड कर ले हाथ जोड़ ले तो ये बन गया आपका तीसरा पोज वाह wow. ठीक है इसी में अगर आप अपना एक हाथ खोल के पीछे लीन कर ले तो ये बन गया आपको पांचवा पोज बीजी बस गिरना नहीं है चौथा वाह और पांचवे में आप ऐसे टांगे करके आगे झुक जाएं तो ये बन गया आपका पांचवा पोज अरे यार वेरी स्पॉन्टेनियस प्रोफेसर ऑफ मॉडलिंग आमना इलियास प्रोफेसर ऑफ मॉडलिंग आज प्रोफेसर साहब एक तुसी प्रोफेसर हो एक है ने? <laughs> प्रोफेसर ने प्रोफेसर साहब जी मैम आपकी शायद बेगम आई है मैम बेगम आई तो नहीं आने वाली है उनकी तलाश है <laughs> धूले का सहरा सुहाना लगता है क्या वा? आपको कैसी बेगम ढूंढ रहे हैं आप आ, बस जो मैम ने बोल दिया उस पर फिट होने की कोशिश कर रहा हूँ जो आपने डिमांड नहीं दी थी <laughs> आप किस चीज के किस चीज के प्रोफेसर हैं आप जी किस चीज के प्रोफेसर हैं अल्लाह ताला के फजल करम से इंग्लिश का वाह जो आप ढूंढ रहे हैं, अल्लाह ताला आपको जल्द से जल्द उनसे मिलाएं। तो उनको किस तरह इंग्लिश में आप कैसे प्रपोज करेंगे और उनको थर्टी सेकेंड्स इंग्लिश में कैसे पिच देंगे आप? सर, इंग्लिश सर नहीं, नहीं वो मैम होंगी, सर थोड़ी होंगे। सर, सर आपको तो भी सर कह सकता हूँ। सर, सर आप सर हैं। सर आप किया जाए सबसे पहले तो मैं इंडिया के एक गाने का एक क्लिप है वो जरा आपको मतलब ये एक सॉन्ग का एक हिस्सा है वो बताऊंगा कि अगर मुझे ढूंढना है तो मैं बोलूँगा दिल तो कोया है यही पे कहीं पे तू जरा बता अच्छा प्रोफेसर साहब आप इंग्लिश के प्रोफेसर हैं सर यही इंग्लिश I... यही जरा लाइन इंग्लिश में बोल दें आई वांट अ लुकिंग फॉर हुम शी इज Over here somewhere, in a hidden way, so can you tell me where she is, what I spoke, that is the translation. Oh, yeah. <laughs> Pakistan, zindabad! Oh, come on. Come on. Come on. Thank you Amna ji, that you. You. you are on this show, Thank you brought so much are so positive energy, <laughs> and we can only hope that

and my family my friends are huge fans of you and they all enjoy your work and you're such a great entertainer great host great actor so i'm happy that i'm part of your show and i had an amazing experience this audience is amazing these uh, kids are i think brilliant bodmasaya What energy so thank you so much फॉर शोइंग मी सो मच लव एंड रिस्पेक्ट थैंक यू तो ये ऑडियंस की मोहब्बत है आमना जी के लिए कि आज हमारे शो में आ, उनकी तरफ से वो कोई तोहफा लेकर आए हैं फॉर आमना इलियास तो प्लीज ये आप लोगों का प्यार है हम इसको ना कैसे कर सकते थैंक यू थैंक यू जी थैंक यू सो मच थैंक यू थैंक यू जी थैंक यू सो मच थैंक यू थैंक यू सर थैंक यूर यू थैंक यू अच्छा ठीक है थैंक यू जी अल्लाह तला आप लोगों को खुश रखे थैंक तोहफा छोटा बड़ा नहीं होता एक जेस्टर होता है जेस्टर ऑफ लव जेस्टर ऑफ काइंडनेस ये चीज़ मोहब्बत का एक एहसास होती है तो मैं कहना चाहूंगा जहां आप हंसते हैं खेलते हैं जहां आप एंटरटेन होते हैं लोगों को एंटरटेन करते हैं वहीं ज़िंदगी गुजारने के कुछ वैल्यू सिस्टम्स होने चाहिए और हमने जब ये शो शुरू किया तो हमने एक फ़ैसला किया और हम उम्मीद करते हैं कि हम उस फैसले पर काम करते रहेंगे कि हम अपने शो के एंड में एक सेगमेंट करते हैं जिसका नाम है गौर करो जहाँ पे हम माशरे की उन तल हकीकतों पर गौर करते हैं सोसाइटी के उन ईशूज़ को हाईलाइट करते हैं जिनको हमारी अटेंशन की ज़रूरत है जी तो आई होप यू इंजॉय द शो और आज बात करना चाहूँगा पाकिस्तान के बारे में कि जहाँ पाकिस्तान को कुदरत ने बहुत ज़्यादा रिसोर्स से नवाज़ा है वहीं आपके सामने है कि हमारे मसाइल भी दिन ब दिन इंक्रीज़ होते जा रहे हैं टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी टू में पाकिस्तान में आए फ्लड्स ने तबाही मचा दी ऑलमोस्ट थर्टी थ्री मिलियन लोग इस सैलाब से मुतासर हुए और पाकिस्तान को अप्रोक्सीमेटली थर्टी बिलियन डॉलर्स का इकनॉमिक नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा लेकिन यहाँ अहम बात यह है कि हम हर आने वाली आफत के बाद ही नुकसान का अंदाज़ा लगाते हैं और फिर अपनी नाकामी दूसरों पर डाल के जान छुड़वाते हैं यू कैन नॉट इस्केप द रियलिटी ऑफ टमारो बाई एवेडिंग इट टूडे अब्राहम लिंकन ने कहा था तो पॉइंट यह है कि हमारी हुकूमत को इस बात पर गौर करना है कि वो दिन कब आएगा जब हम डैम्स बनाएंगे माहौलिया को बेहतर बनाएंगे तो प्लीज़ इस बात पर गौर करें कि फ्यूचर में आने वाले अगर कोई भी इस तरह के नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं तो हम उनके लिए प्रिपेयर्ड हैं हम भी हमारी हुकूमत भी ताकि उनसे होने वाले नुकसान कम से कम हो इनफैक्ट ना ही हो आमना जी, would you like to add something to this? हम लोग तो जो भी प्रिकॉशंस ले सकते हैं वो लेते हैं हमें गवर्नमेंट की भी बात सुननी चाहिए लेकिन मैं आज बहुत बेबाकी से ही बात करूँगी कि जो हमारे लैंड हैं जो हमारे एक लैंड माफिया का टर्म यूज़ किया जाता है और मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अपनी ज़मीनें बचाने के लिए छोटे किसान की ज़मीन पर पानी ना छोड़ें ये बहुत अक्सर लोग कहने से डरते हैं इस बात को क्योंकि ये बहुत सीरियस बात है लेकिन मैं रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ डोंट डू दैट फायदा मुझे पता है आपका बड़ा है लेकिन वो सिर्फ आपका ही फ़ायदा है उसमें पूरे मुल्क का फ़ायदा नहीं है और हम इस तरह से कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे अगर हम इसी तरह सच पर पर्दा डालते रहे और यही हरकतें करते रहे तो मेरी बस रिक्वेस्ट ये है कि अपने अपनी भी ज़मीन को ग्रो होने दें अपनी ज़मीन को बचाने के लिए छोटी ज़मीनों पर पानी छोड़ देना कोई हल नहीं है कोई ऐसा हल निकालें जो सबके लिए फ़ायदेमंद हो थैंक यू